ये फाइनल टर्म की हाइलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 के फाइनल टर्म के हाइलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी बेनिफिट है MBO का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, वो है इम्प्रूव एम्प्लॉई मोटिवेशन। ये इम्प्रूव करती है एम्प्लॉई मोटिवेशन, सो दिस इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर, वो है एसमीडा। सो एसमीडा फर्स्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है वो प्रपोज करती है कि हर पर्सन जो है इसकी एक हायरार्की ऑफ नीड है कितनी है, 5 नीड्स है। अगर आप मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को देखेंगे तो उसमें 5 नीड्स जो है वो बताई गई हैं। उसके बाद ये कि द प्रोसेस इन विच सेंडर, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेंडर मैनिपुलेट करता है इन्फॉर्मेशन ताकि रिसीवर वही देखे जो कि इट मोर फेवरेबली, जो ज़्यादा फेवरेबली हो, वो कहलाया जाता है क्या, वो है फिल्टरिंग, फिल्टर किया जा रहा है यानी कि, सो फिल्टरिंग इज द आंसर। उसके बाद ये कि कंट्रोल जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम को, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, वो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फेल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा एक जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से है फेल के, हेल्प प्रिजर्व द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी, वो है यूनिटी ऑफ कमांड होना, यूनिटी ऑफ कमांड होना। सो दिस वन इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि अली ऑलवेज कंसल्ट, हमेशा जो है वो कंसल्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और यूज़ करता है उनकी सजेशन भी इससे पहले कि वो कोई डिसीजन ले। सो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है किस तरह की लीडरशिप को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, ये है पार्टिसिपेटिव, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉय को भी शामिल कर रहा है अली इस वजह से, तो सो पार्टिसिपेटिव इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है, जिसके अंदर डायरेक्टिव डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और सपोर्ट्स इनोवेशन भी आ जाता है। सो लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इफ द इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट जो है स्टेबल है, सो जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, वो होगा मैकेनिस्टिक, सो मैकेनिस्टिक इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो प्रेजिडेंट है ABC कंपनी का, वो बोलता है एम्प्लॉई से कि वो फॉलो करें रूल्स और रेगुलेशंस, और तमाम जो एम्प्लॉई हैं वो कंप्लाई करते हैं उसका ऑर्डर, से जो प्रेजिडेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉई को, इनमें से कौन सी पावर के जरिए, वो है लेजिटिमेट पावर। सो लेजिटिमेट पावर लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि 50 एप्लीकेंट्स जो है उनको इंटरव्यू किया गया फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट के लिए, और इन तमाम 50 में से 5 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। उन 5 को इसलिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया क्योंकि उनके पास डिप्लोमा था स्पेशलाइजेशन का, जो डिग्री रिक्वायर्ड थी उसके अलावा भी, सो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इंटरव्यूअर को इनमें से कौन सी पावर से, सो वो किया एक्सपर्ट पावर से, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का भी डिप्लोमा उनके पास मौजूद है डिग्री के साथ, सो ये शो कर रहा है उनकी एक्सपर्ट पावर को कि उनके पास एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है तो एक्सपर्टीज को भी शो कर रहा है। उसके बाद ये कि वर्कर इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट, जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में वर्कर होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिकेट करें, ट्राइंग टू कम्युनिकेट द बैड वर्किंग कंडीशन, जो बैड वर्किंग कंडीशन है उनके सुपरवाइजर से, ये कहते हुए कि मशीन्स आर क्रिएटिंग टू मच हीट नॉइस एंड डिस्टर्बिंग अवर वर्क, यानी कि मशीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा उनसे हीट पैदा हो रही है, नॉइस हो रही है और वो डिस्टर्ब कर रही है हमारे वर्क को। सो वर्कर्स ने जो है वो यूज़ किया इनमें से किस तरह की कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि उन्होंने कहा है इस वजह से ओरल कम्युनिकेशन, सो ओरल इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये जो टेंडेंसी होती है लोगों की, रुझान जो होता है कि एक्सपेंड करें वो लेस एफोर्ट, जबकि वर्क करें वो ग्रुप के अंदर एज कम्पेयर टू वर्किंग अलोन, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, वो है सोशल लूफिंग कहलाया जाता है ये। और उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन जो कि होती है बगैर किसी जो है वो हायरार्कल या टास्क रिक्वायरमेंट के, यानी कि हायरार्की के बगैर हम देखें ऐसी कम्युनिकेशन जो हायरार्की से हटके हो रही है, ऊपर नीचे के लोग जो होते हैं उससे हटके हो रही है और टास्क रिक्वायरमेंट उससे भी हटके हो रही है, वो कहलाई जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सो इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद ये कि कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है कि इंडिविजुअल की इफेक्ट करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, इनमें से कौन से मैनर के अंदर है, सो वो है कैन नॉट इंटरप्रेट ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज द आंसर हेयर।
उसके बाद ये कि सॉर्ट एनालिसिस जो है वो एक टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो रिलाई करती है इंडिविजुअल के ऊपर या फिर ग्रुप जजमेंट, ना कि कोई जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस, वो है क्वालिटेटिव टेक फॉरकास्टिंग। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव है ये क्वांटिटेटिव नहीं है बल्कि ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव फॉरकास्टिंग इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिव जो है एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन के जरिए ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन टेंड शुड टेंड टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी तरफ होना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। डिसेंट्रलाइजेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है मोटिवेशन का, वो है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि किसने डेवलप किया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंटिंजेंसी मॉडल जो है लीडरशिप के लिए, वो किया फीडलर ने। फीडलर इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर, इनमें से कौन सी जो वो पावर है जो कि लेजिटिमाइज है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी जो होती है वो पावर होती है, लेजिटिमाइज होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसके बाद ये कि इफ यू गेट मोर इनपुट, अगर आप हासिल करते हैं ज्यादा इनपुट फ्रॉम अ गिवन, सॉरी मोर आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट, गिवन इनपुट से जो भी इनपुट है उसी से आपको ज़्यादा आउटपुट मिलने लग रहा है सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से सपोज करें, इसका मतलब क्या हुआ है कि इन एफिशिएंसी के अंदर इजाफा हुआ है। जब एफिशिएंसी में इजाफा होता है तो सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कि अफेक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से और एक्शन से खिलाई जाती है, इनमें से क्या? वो है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आंसर हेयर। उसके बाद ये कि व्हेन मैनेजर, जब मैनेजर डेलीगेट करता अथॉरिटी तो उनको लाजमी एलोकेट करना होती है क्या? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, क्योंकि अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए स्मॉल बिजनेस की पाकिस्तान में, ये एस्मीटा है, ये रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये कि ईयू, नेफ्टा, एफटीए और आसियान, ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इनमें से किस ऑप्शन की? ये है रीजनल ट्रेड अलायंसेस, ये रीजनल ट्रेड अलायंसेस हैं। सो दिस वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फाइनल स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, तो वो है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रैक्टिकली तौर पे, अब जो कुछ डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यही फाइनल जो है वो स्टेप है। अब ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं ये अजम्पशंस हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के सिवाय एक को छोड़कर, वो है कि इंफॉर्मेशन इज अननोन। ऐसा नहीं होता कि इंफॉर्मेशन जो है वो अननोन होती है रैशनल डिसीजन मेकिंग में। सो दिस इज द आंसर। बाकी ऑप्शन है कि अल्टरनेटिव्स आर नोन, पॉसिबल आउटकम्स नोन एंड ऑप्टिमल डिसीजन इज पॉसिबल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वेरिएशन है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग का, जो कि लिंक करता है मीडिया जो है डिफरेंट लोकेशन से, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस इज द आंसर हेयर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।